नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का मौसम जानिए। सरगुजा संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भारी बारिश हो रही है। लगातार पानी गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे पानी घरों और स्कूल भवन में भी भर रहा है। NH 343 पर राजकोट रोकड़ा के बीच और नदी में बने पुल से पानी 6 फीट ऊपर बह रहा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सरगुजा संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में मानसून एक्टिव रहा, कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। वहीं कोरिया जिले के पोंडी इलाके में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 771.5 मिली बारिश हो चुकी है। यह औसत से 14% ज्यादा है। बीजापुर में 106% और बलरामपुर में 64% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में अलग अलग जिलों के बारिश हो सकती है। बलौदाबाजार, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, MCB, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सरगुजा में बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक से साथ बरसात होगी। 11 अगस्त तक इन जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने आज कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, गौरेल, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 10 अगस्त को बिसालपुर, जांजगीर, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, गौरेल, पेंड्रा, मरवाही और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 अगस्त को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बालद, गरियाबंद, मोहल्ला मानपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेनेत्रा, खैरागढ़, सक्ती, सारंगढ़, मुंगेली, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, गौरेल, पेंड्रा, मरवाही और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर में चम्बूठी नाला पार कर रहा एक युवक बाइक समेत बह गया, जिसे लोगों ने रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कोरबा में लगातार बारिश से परशुराम नगर के कई घरों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 771.5 मिली बारिश हुई है, जो औसत से 14% ज्यादा है। 2 जिले ऐसे हैं जहां औसत से ज्यादा काफी ज्यादा बारिश हुई है। बीजापुर में 106% और बलरामपुर में 64% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। NH 43 में पानी भर रहे सड़क पर चलते हुए वाहन। NH 43 में राजकोट रोकड़ा के बीच और नदी पर बना पुल। उफान पर इरिया नदी, स्कूल में भरा पानी। बलरामपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, इरिया नदी उफान पर है। शुक्रवार को घरों के साथ ही पानी इंडो हाई स्कूल भवन में भी भर गया। क्लासरूम में घुटनों से नीचे तक पानी भर गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। ग्रामीणों की मदद से पानी बाहर निकाला जा रहा है। बलरामपुर की इरिया नदी उफान पर है। स्कूल भवन परिसर में जलभराव है। स्कूल की गैलरी में पानी भरा हुआ है। क्लासरूम में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिलासपुर में थमी बारिश। नदी नाले और डैम लबालब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार को येलो अलर्ट जारी करने के बाद बारिश थम गई। हल्की बूंदाबांदी के बीच आसमान पर बादल छाए रहे। इधर लगातार बारिश के बाद से नदी नाले और डैम लबालब हो गए हैं, जहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को सावधानी बरतने के लिए मुनादी करा रही है। पढ़ें पूरी खबर। रायपुर में गुरुवार को ऐसा रहा मौसम। गुरुवार को रायपुर में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। रायपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 1 जून से 8 अगस्त तक रायपुर जिले में 660.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 12% ज्यादा है। ऐसा रहा प्रदेश का तापमान। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री बलरामपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री नारायणपुर में दर्ज किया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री, बिलासपुर में 30.2 डिग्री, अंबिकापुर में 29.8 डिग्री, जगदलपुर में 29.2, दुर्ग में 29.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।